आसम एव, भगवान कहते हैं शुरुआत में अग्रे का अर्थ है शुरुआत में मैं ही था ही। भगवान कौन है? जब ये संसार में कुछ नहीं था तब भी जो था वो भगवान। अहम एव आसम एव, एक बात याद रखना, भगवान को जब हम ढूंढते हैं, हमारा संकल्प ये है ना प्रभु से जुड़ना है, परमात्मा से परिचय पाना है, तो कौन है भगवान? सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब जो था वो भगवान। याद रखना, विज्ञान भी ये कबूल करता है कि जब भी कुछ सर्जन होता है उसकी जड़ में, उसके मूल में कुछ न कुछ होना चाहिए। आज कोई बड़ा पेड़ खड़ा है तो कल वहां पर छोटा सा बीज था, यहां पर कोई बीज नहीं है तो यहां पर कोई वृक्ष आ भी नहीं सकता। कुछ विज्ञान का सिद्धांत ऐसा है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम समथिंग। भाषा में हम कहते हैं कि शून्य में से सर्जन किया, वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए तो शून्य में से सर्जन हो ही नहीं सकता। अल्प में से बहु होता है, कम में से अधिक होता है, शून्य में से नहीं होता। पचास साल पहले राजस्थान के छोटे से गांव से निकले थे, कुछ नहीं था, रस्सी और लोटा लेके आए थे, और अब देखो कितना बढ़ा दिया, कितना कारोबार बढ़ गया। कुछ नहीं था वो रस्सी और लोटा तो था ना, और कुछ नहीं ना सही, आप स्वयं तो थे ना, कहीं से कुछ तो होना चाहिए। Nothing can be created from nothing. Everything is created from something. तो ये इतनी बड़ी सृष्टि हो गई, कैसे हुई? कुछ तो होना चाहिए। इस समग्र सृष्टि का जो बीज है, समग्र सृष्टि का जो बीज है वह परमात्मा है, जिससे यह पूरी सृष्टि बनी। सृष्टि में तो भगवान है ही, कण कण में वो बसा हुआ है, लेकिन कहा पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। ये पूरी सृष्टि का जब लय हो जाएगा तो अंत में जो बचेगा यह अवशिष्येत सह अहमस्मि, जो बाकी बचेगा वो मैं हूं। ये प्रभु है। याद रखना, जैसे शून्य में से सर्जन नहीं होता ऐसे शून्य में विसर्जन भी नहीं होता। ये विनाश 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 की बातें लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र के रूप में देखा जाए विनाश की बात लोग करते हैं, लेकिन शास्त्रीय रूप में देखा जाए तो विनाश कभी होता ही नहीं। इस सृष्टि में सब चीजें केवल बदलते रहती हैं, परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होता। बहुत लोग डराते हैं,
सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, हमारे अंदर जो आ जाएगा वही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। ये सब छलिए लोग हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ वो लोग। कुछ लोगों ने चलाया था 95 के साल से चक्कर चलाया कि 2000 के साल आएगी ना Y2K, 31 दिसंबर की रात के 12 जब बजेंगे 00000 हो जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। कितने भेड़ बकरियों को फंसा लिया उन्होंने ये सृष्टि का अंत का डर दिखा के। Y2K चला गया, ये हम बैठे देखो। फिर उन लोगों ने कहा 2008 की साल में विनाश आने वाला है। बहुत डराया, पति पत्नी भाई बहन हो जाओ, केवल बाजरे का रोटा और दही खाओ, विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और कुछ भेड़ बकरियां फंसे वहां पर। 2008 भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने नई डेट दी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 2012। उसकी तो मूवी भी आई है, 2012 सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 2012 का विनाश हो जाएगा, 15 आ गया, बैठे ना बोलो, ऐश करते हैं, मजा करते हैं हम लोग। मैंने तो 2031 तक तारीख दी है भागवत कथा की और गीता प्रवचन की। हाँ हाँ, ऐसे हैं लोग, गुरुजी हर साल करना है एक एक आयोजन। मेरे पंचांग में है 2031 तक की तारीख में दे के बैठा हूं। इसका मतलब 2031 तक मैं तो हूं। आपकी आप जानो, हम तो हैं भाई। सृष्टि का विनाश कभी होता नहीं, जो भी यहां पर होता है केवल रूपांतरण होता है। विज्ञान भी कहता है, यहां यदि कोई साइंस के शिक्षक बैठे हो, विद्यार्थी बैठे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है। एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में जाएगी, नाश नहीं होता। सृष्टि की बात छोड़ो, मैं एक प्रैक्टिकल दृष्टांत आपको बताता हूं। कागज मिलेगा, एक पेपर का टुकड़ा मिलेगा, कागज किसी के पास यदि हो, अरे वाह, एक ही चाहिए, पूरी नोट मत फाड़ो। वाह, ये वापस नहीं मिलेगा, चलेगा ना, थैंक यू। मैंने तो यहां खड़े रह के वापस, ये कागज। मैं तो शास्त्र को विज्ञान की पद्धति से आधुनिक रूप में समझाता हूं। मैंने पहले दिन कहा था ऐसी कथा ना आपने कभी सुनी होगी, ऐसे कभी सुना वक्ता ऐसे कागज मंगवाए ये सब करे। लेकिन मैं दृष्टांत के, हमारे भागवत ग्रंथ के सिद्धांत कितने स्पष्ट हैं, कितने अकाट्य हैं, ये मैं बता प्रैक्टिकल दृष्टांत से बताता हूं आपको। समझो ये पत्र है, कागज है, ऐसे तो कोरा है, लेकिन किसी ने पत्र लिखा। आप सुबह सुबह नहा धो के तैयार हुए और कोई कवर आपके हाथ में रख गया, आपने कवर खोला, पत्र निकला, पत्र आपने पढ़ा, किसी ने अभद्र भाषा में, अरे गंदी भाषा में आपकी निंदा लिखी है इसमें, या आप ऐसे हो, आप ऐसे बुरे आदमी हो, ये हो, और वो गलत है, सब झूठ है, लेकिन लिखा है लिखने वाले ने। तो ये पत्र पढ़ते पढ़ते आपका खून बखाल उठता है, इतना गुस्सा आता है आपको, किसने लिखा यह पत्र। पत्र पूरा होने पर नीचे उसने अपना नाम नहीं लिखा, अ ब स,
ऐसे कई लोग होते हैं ना, बिना डरपोक लोग, हिम्मत भी नहीं उनमें कि अपना नाम लिखे। आप अक्षर पहचानने की कोशिश करोगे, अक्षर भी पहचानने में नहीं आएंगे। इतना गुस्सा आता है आपको। अब ये लिखने वाला तो मिल नहीं रहा, इसलिए आपका पूरा गुस्सा ये कागज पे उतरता है। ये कागज को नष्ट कर दो, विनाश कर दो इस कागज का। मैं आपको व्यासपीठ से चैलेंज देके बोलता हूं, आप ये कागज का विनाश नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे इसका विनाश। आप, आपका पूरा गुस्सा निकलेगा कागज के ऊपर, क्या करोगे? सबसे पहले विनाश कर दिया। विनाश नहीं किया, ये रहा कागज, आपने उसका केवल आकार बदला। एक लंबा कागज था, आपने उसको ये कर दिया। अरे हम कर देते हैं विनाश, क्या बड़ी बात है, ऐसा कोई कागज हमें लिखने की हिम्मत कैसे करे, ये कागज का हमने विनाश कर दिया। विनाश किया आपने कागज का? नहीं, आपने रूपांतरण किया, एक बड़ा कागज का छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, विनाश कहां हुआ? अरे क्या गुरुजी, आप इतनी अच्छी भागवत की कथा करते हो, कागज का विनाश करने था, हम करके देते हैं, हम दिन भर वही तो करते हैं, फू 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 करते हैं ना, तो जेब में आग लेके घूमते हैं, लेके आएगा जेब में से आग निकालेगा लाइटर और कहेगा देखो ये खड़ाक करके 10 सेकंड में विनाश। नहीं, यदि आप इस कागज को जलाओगे तो इतनी सी राख बनेगी, विनाश नहीं हुआ, रूपांतरण हुआ, कागज राख में बदल गया। अभी राख का क्या करोगे? राख तो बची ना। प्यारे भाई और बहनों, इतने छोटे से कागज का भी विनाश नहीं होता तो इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो भगवान यहां चतुश्लोकी भागवत में क्या कहते हैं, यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्। यह अवशिष्येत, जो बाकी बचेगा वो मैं हूं। सृष्टि भगवान में से उत्पन्न हुई, विकसती रही और भगवान में ही समाएगी, नाश नहीं होगा इसका। लो तुम्हारा कागज, रूपांतरित करून दिला मी। हो काय श्रद्धा असते लोकांची। काही वेळा असं झालेलं आहे की ये तो इधर सबसे अकेले कोने में बैठे हैं, नहीं तो यहां कोई बीच में बैठे हो कोई, और कागज के टुकड़े जब लेके जाए ना तो आजू बाजू वाले कहते हैं ला एक मुझे दे प्रसाद व्यासपीठ से। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारा भारतीय समाज है। और जब वो मैं देखता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये श्रद्धा जब तक समाज में जीवित है तब तक हमारी सनातन भारतीय संस्कृति को कुछ नहीं हो सकता। ये श्रद्धा हमारी शक्ति है। दूसरा प्रश्न, ये नास्तिक लोगों का ऐसा होता है, एक बात तो सिद्ध हो गई कि सृष्टि का उत्पन्न, सृष्टि भगवान में से उत्पन्न हुई है और भगवान में समाने वाली है, और भगवान स्वयं सृष्टि में बसा हुआ है, ये सिद्ध हो गई बात चतुर्श्लोकी भागवत के पहले श्लोक में। नास्तिक लोग कहते हैं नहीं नहीं वो सब बात ठीक है, लेकिन आप बोलते हो भगवान है भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? ये इनका तर्क होता है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता भगवान? और इस तर्क का जो उत्तर नहीं दे सकते ये भोले भगत लोग, ऐसे तर्क करने वाले को बुद्धिमान कहते हैं। बहुत बुद्धिमान है वो, तो ऐसी दलील करता है ना, उसकी तो जवाब ही नहीं दे सकते भाई, हम तो राम राम करते हैं, बाकी ये तो बहुत बुद्धि वाला है। ये लोग बुद्धि वाले नहीं होते, ये लोग बुद्धू होते हैं। जो ये कहें कि हमें भगवान दिखाओ तो हम मानेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान है ये निशंक सत्य है, और दिखाई